हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट शेयर के ऊपर, साथ ही साथ क्या न्यूज है, क्या टेक्निकली डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, बहुत न्यूज के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो जो स्टॉक्स आपके पास हैं या फिर आगे आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कैफलर इंडिया लिमिटेड के ऊपर, स्टॉक क्या 5000 जाएगा। इनफैक्ट ये स्टॉक 5000 से ज्यादा भी जा सकता है, क्यों जाएगा उसके ऊपर बात करते हैं। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 3770 के लेवल पे, यानी कि स्टॉक में हम लोगों को 30-40% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे का वजह क्या है, तो इसके पीछे का वजह हम लोग बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। इसके पीछे का वजह है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है वो आपको नीचे की साइड में सपोर्ट ले रहा था, कहाँ पे 2550 के लेवल पे। ऊपर की साइड में स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा था, कहाँ पे, तो स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा था 3740-3750 के लेवल पे। अब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, कितने दिन के बाद ये ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें तो 9 मंथ के बाद, जुलाई 2022 में, सॉरी 21 मंथ के बाद ये ब्रेकआउट आया है। जुलाई 2022 में स्टॉक इस रेंज में एंट्री लिया था, स्टॉक ने हाई लगाया अपना ऑल टाइम का 3969.85 का। उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुआ, स्लो एंड स्टडी अगेन गया ऊपर, वापस से गिरावट हुआ, अगेन अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम के ऊपर एक बार नजर डालते हैं, जो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, तो वॉल्यूम में क्लियरली अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल पे जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है ये आपको 28 नवंबर 2022 के जो वीक में वॉल्यूम था उसके बाद ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है स्टॉक अगर ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। चलिए अब और डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में क्या हुआ था, स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला था। हम लोग मंथली चार्ट पे स्विच करते हैं तो बेटर क्लियरिटी आपको मिलेगा, और स्टॉक में आपको एक शानदार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, कहाँ पे 1200 के लेवल पे। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन किया, और अब जाके स्टॉक यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है। अगर मंथली कैंडल पे भी देखेंगे तो स्टॉक ने कभी भी 3500 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया था। अप्रैल मंथ में स्टॉक ने 3500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5000 के ऊपर भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है टारगेट क्या होता है, पोल लेंथ। यहाँ पे पोल लेंथ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पोल लेंथ जो है तकरीबन आपको 2500 पॉइंट का है। ऊपर की साइड में 2500 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो 6200 का लेवल हम लोगों को मिल सकता है, तो एक बहुत ही शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें, अभी के लिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होना चाहिए 3150-3100 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर एक बार स्विंग बन जाता है तो यहाँ पे वापस से हम लोग अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक है केनरा बैंक। केनरा बैंक के ऊपर जो सबसे पहला न्यूज है वो ये है, जो कंपनी ने आपको 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंस किया है। तो यानी कि 10 का फेस वैल्यू जो है वो आपको 2 के फेस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डेट क्या है, ये डेट है आपको मई 15 का। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है आपको मई 8 का, 8th of May को, यानी कि वेडनेसडे के सेशन में जो है यहाँ पे आपको बैंक का रिजल्ट आने वाला है। अगर मार्केट टाइम में आएगा तो लाइव मार्केट में आपको रिएक्शन दिख जाएगा, अगर मार्केट टाइम में नहीं आता है तो फिर इसका रिएक्शन आपको थर्सडे के सेशन में देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। केनरा बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, इस स्टॉक में भी एक अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा तेजी किया, उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, इस वीक में छोटा ही सही बट स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है।
अगर हम लोग मंथली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक जो है नॉन स्टॉप रैली यहाँ पे दे रहा है और स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है वो आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कंप्लीशन करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक जो है यहाँ पे आपको 774, 780 इन सभी लेवल्स पे जो है इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है, जो कि स्टॉक ने 2010 में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था इन द मंथ ऑफ नवंबर 821 रुपीज का। तो स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी उस लेवल को ही अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो स्लो एंड स्टडी जो है पोजिशन को एड कर सकते हैं, और करेंट लेवल पे अगर ऑलरेडी आपके पास है तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे की साइड में जो है एक ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉक जो है ऊपर की साइड में एक बड़ा टारगेट दे सकता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्लियरली जो है हम लोगों को पुल लेंथ यहाँ पे 300 to 615 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का है। स्टॉक ऊपर की साइड में 900 के लेवल तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपका एसएल जो है नीचे की साइड में होना चाहिए 560 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्टॉक में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ बट स्टॉक मोमेंटम कर नहीं रहा है। स्टॉक मोमेंटम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टॉक का जो है आपको रिजल्ट आ चुका है, क्वार्टर फोर का रिजल्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आपको जो है चैनल पे लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है बट स्टॉक लास्ट 4 वीक से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। वेट कीजिए यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट होने का। ब्रेकआउट किस लेवल के ऊपर होने का, 85 रुपीज के लेवल के ऊपर वीकली कैंडल को क्लोज होने का। जब तक इस लेवल के ऊपर वीकली या फिर एटलीस्ट डेली कैंडल क्लोज नहीं होता है आपको स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर है यहाँ पे वेट कीजिए, क्योंकि पोजीशन लेने के बाद वेट करने से बेटर है पोजीशन लेने से पहले वेट कीजिए। क्योंकि अगर आप 85 रुपीज 50 पैसे के लेवल के ऊपर पोजीशन लेते हैं तो आपको इमीडिएटली एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक 100 और फिर उसके ऊपर जो है 120-130 की लेवल की साइड भी स्टॉक मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है एचपीएल इलेक्ट्रिक। स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम दिया है, एक अच्छा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ था 200 के लेवल पे। उसके बाद से स्टॉक देखेंगे 100% का मोमेंटम दे चुका है, वापस से स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, वापस से फ्रेश ऑल टाइम हाई पे स्टॉक जो है इस वीक में क्लोज हुआ है। यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे की साइड में 270 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, ऊपर की साइड में 400 के लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। इस स्टॉक में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजिशन है होल्ड करके रखें, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फिर रिट्रेसमेंट का वेट करें, क्योंकि स्टॉक जो है 300 के लेवल से एक अच्छा मोमेंटम कर चुका है, तकरीबन 40% का मोमेंटम हो चुका है, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। रिट्रेसमेंट के बाद आप यहां पे बाइंग कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। अभी के लिए जरूर अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पोजिशन है तो आप यहाँ पे इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस के शेयर में क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा आईपीओ का ब्रेकआउट हुआ था, आईपीओ बेस का। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा तेजी यहाँ पे आपको शो किया, 266-267 के लेवल से जो स्टॉक आपको ऊपर की साइड में 380 के लेवल तक मूव किया है। अब स्टॉक में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, वेट करेंगे। यहाँ पे स्टॉक में जो है हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक स्टॉक नहीं आता है फर्दर गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, और ऊपर की साइड में जब तक ऊपर की साइड में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक फर्दर तेजी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चैनल पैटर्न में कंसोलिडेट करने दीजिए, ब्रेकआउट अगर होगा तो बाई करना है, ब्रेकआउट नहीं होगा तो वेट करना है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।